कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से जहां पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी गई। कौमी असेंबली का इजलास हंगामा राय की नज़र हुआ। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। नवीद कमर की जानिब से कहा गया कि ये ऐवान किस अंदाज में चलाया जा रहा है, जबकि अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर जागो के नारे भी लगाए गए। बात ना करने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और अभी कौमी असेंबली का इजलास की कार्रवाई ताज़ा तरीन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिटिंग है मिनिस्टर और उन्होंने किस तरह से सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और किस तरह से वो ना सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे बल्कि उन्होंने इस पॉलिटिक्स को भी द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन ट्यूजडे द 2nd फरवरी एट 4 PM। कौमी असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और डाइस का घेराव भी किया गया, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।